नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यह समय आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ये आपकी राशि के ऑफिशियल चैनल है, तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। दोस्तों, जिंदगी तुझसे हर वक्त समझौता क्यों किया जाए, शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। संकल्पों से जीवन सुधरता है, दृष्टि और दृष्टिकोण बदलता है। जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करें, कभी आप नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। अच्छा दिखने के लिए नहीं किंतु अच्छा बनने के लिए जियो। हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए ताकि बाद में हमें उसका अफसोस न हो। न किसी के अभाव से जियो, न किसी के प्रभाव से जियो, ये जिंदगी है आपकी, अपने अपने स्वभाव से जियो। मत जियो उसके लिए जो दुनिया के लिए खूबसूरत हो, जियो उसके लिए जो तुम्हारी दुनिया खूबसूरत बनाए। हम जिंदगी में सोचते बहुत हैं और महसूस बहुत कम करते हैं। पानी को कस कर पकड़ोगे तो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वो अपना रास्ता स्वयं बना लेगा। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। धनी राशिफल। दोस्तों, कोई भी कार्य करने से पहले उसकी योजना वो फिर प्रारूप अवश्य बनाएं, इससे आप किसी प्रकार की गलती करने से बचेंगे। अगर घर के रखरखाव अथवा मरम्मत संबंधी कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों, इन कार्यों के लिए समय बहुत ही अनुकूल समय होगा। इसके साथ ही दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में ननिहाल के साथ संबंधों में किसी प्रकार के विवाद जैसी स्थिति हो सकती है। अपने स्वभाव को सजग तथा संयमित बनाकर रखें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। बाहरी गतिविधियों में समय व्यतीत होगा परंतु इसका कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होगा, जिसकी वजह से मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कुछ बातों को पूरा होने के लिए जरूरत से अधिक वक्त लगेगा, इसलिए ये जो समय है आपके लिए आपको संयम बरतने की अत्यंत आवश्यकता होगी। दूसरों के द्वारा लिए गए निर्णय आपके लिए तकलीफ का कारण हो सकते हैं, फिर भी दोस्तों इसके बारे में कुछ नहीं कह पाना आपके लिए अधिक तकलीफदायक होगा। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ों का यश में आप ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे और इसमें कामयाब भी आप रहने वाले हैं। दोस्तों, आप में और अधिक आत्मविश्वास भी जागृत होगा। विद्यार्थियों का मन अपनी शिक्षा के प्रति पूरी तरह एकाग्रचित भी रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों, ध्यान रखें कि कोई पुराना मुद्दा भी यश में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से नजदीकी किसी व्यक्ति के संबंधों में कटुता भी आ सकती है। आपका बहुत अधिक अनुशासित होना भी कभी कभी पारिवारिक लोगों के लिए परेशानी का कारण बनेगा। अपने व्यवहार में लचीलापन बनाकर रखें। दोस्तों, यश में के लिए ये आपके आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि सेहत से संबंधित समस्याएँ कम होने लगेंगी, जिसकी वजह से आपका उत्साह भी बढ़ेगा और काम पर अधिक ध्यान दे पाना आपके लिए संभव हो सकता है। दोस्तों, जिस परेशानी के कारण आप अधिक चिंता कर रहे थे, दोस्तों उसके बारे में कुछ तो सकारात्मक बदलाव यश में नजर आएगा, जो आपके लिए परिवार के लिए राहत दिलाएगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपका योजनाबद्ध तरीके से अपनी दिनचर्या और फिर कार्यों को व्यवस्थित रखना आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक करेगा। दोस्तों, कोई रुका हुआ पेशा भी इसमें आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से आर्थिक समस्याएं भी काफ़ी हद तक कम होगी। बच्चों की भावनाओं को समझते हुए उनकी गतिविधियों में अपना सहयोग अवश्य करें। दोस्तों, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में किसी संबंधी के हस्तक्षेप की वजह से आपके कार्य में रुकावट भी आ सकती है। बेहतर होगा कि दूसरों की अपेक्षा अपनी कार्यक्षमता पर आपको विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, भी आपको बता दें कि विद्यार्थियों का अपने पढ़ाई के प्रति लापरवाह रहना आपके रिजल्ट को खराब कर सकता है, तो दोस्तों यश में इन बातों पर आपको गौर करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे,
आपको बता दें कि मानसिक उलझन बढ़ने की वजह से आपकी भावनाओं को प्रकट करना और निर्णय ले पाना आपके लिए दोनों बातें कठिन होंगी। फिर भी दोस्तों, मित्र का साथ मिलने की वजह से कुछ समस्या का समाधान भी आपको प्राप्त होगा। परिवार के लोगों की प्रति आपकी जो बढ़ती नाराजगी है, आपका आत्मविश्वास भी कम कर सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कुछ विपरीत परिस्थितियाँ सामने भी आएंगी, परंतु आप उनका सामना करने में यश में सक्षम रहेंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा अवश्य बनाएं। ये जो समय है आपके लिए, आपको कोई विशेष उपलब्धि भी हासिल होगी। निजी संपर्कों के माध्यम से कई जो व्यक्तिगत काम सुचारू रूप से संपन्न भी हो जाएंगे। परंतु दोस्तों, इस वक्त जो है ग्रहों की जो चाल है, कुछ विपरीत परिणाम भी आपको दे सकती है अगर आप सावधानियों को नहीं रखेंगे तो। इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी झंझट खड़ा हो सकता है, इसलिए दोस्तों कार्यों को जो है तुरंत निपटाने का प्रयास करें। उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी किसी प्रकार के व्यवधान यश में आपके सामने आ सकते हैं, तो दोस्तों इन सभी से आप बचने के प्रयास करें। अगर आपके सामने लग रहा है कि कोई समस्या हो सकती है, तो दोस्तों उन कार्यों से आप यश में दूर ही रहें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि जीवन के प्रति आपके जो भी लक्ष्य होंगे, उसके बारे में आपको अधिक सकारात्मकता और क्लैरिटी प्राप्त होगी, जिसकी वजह से सही मार्ग ढूंढ पाना आपके लिए इसमें संभव होगा। बड़े लक्ष्य की पूर्ति होने के कारण आपको इसमें मानसिक समाधान भी प्राप्त होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में मंदी होने के बावजूद भी कारोबार में लाभदायक स्थितियाँ रहेंगी, परंतु नौकरी में सहकर्मी जलन की भावना से आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों बहुत अधिक सावधान रहना आपके लिए जरूरी होगा। यश में किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश ना करें, दोस्तों ये आपके लिए यश में बहुत ही बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें अगर नए व्यवसाय को शुरू करने अथवा वर्तमान व्यवसाय के विस्तार संबंधी कुछ योजनाएं बना रहे हैं, तो दोस्तों समय बहुत ही अनुकूल समय होगा। आपको अवश्य सफलता मिलेगी, बस अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से करते चले। दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए जो समय होंगे, यश में बहुत ही खास उपलब्धि देने वाला समय होगा, तो दोस्तों यश में अपने कार्यों पर ध्यान को केंद्रित रखें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में यश में आपकी उपस्थिति होना अति आवश्यक होगा, क्योंकि दोस्तों कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। सरकारी या फिर प्राइवेट कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी भी यश में आपको प्राप्त हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यावसायिक गतिविधियां समान ही रहेंगी, यह समय तरक्की के बेहतरीन भी अवसर बने हुए हैं, इसलिए अपने कार्यों के प्रति पूरी निष्ठा रखें। नौकरी पेशा लोगों को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए यश में थोड़ा सा मेहनत करने की भी आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपकी पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंधों में ईगो की वजह से कुछ दूरियां आएंगी, जिनका असर घर के वातावरण को भी खराब कर सकता है, तो दोस्तों इन सभी चीजों पर ध्यान रहें। प्रेम संबंध यश में रोमांटिक तथा खुशनुमा रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों जीवन साथी का सहयोग और फिर सलाह आपके मनोबल को बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों में मर्यादा का ध्यान आप यश में अवश्य रखें, ये आपके लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में घर के सदस्यों का आपसी सामंजस्य मधुर बना रहेगा। प्रेम संबंधों में मनमुटाव तथा दूरी आने जैसी स्थिति भी कभी कभी बन सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पति पत्नी के संबंध तो सौहार्दपूर्ण रहेंगे, प्रेम प्रसंगों में पारिवारिक स्वीकृति मिलने से मानसिक सुकून व फिर खुशी भी आपको प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें, अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यश में अव्यवस्थित दिनचर्या तथा खान पान की वजह से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें तथा वर्तमान मौसम से अपना बचाव करें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आयुर्वेदिक इलाज लेना आपके लिए यश में लाभदायक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि मौसम की वजह से कोई इन्फेक्शन या फिर छाती में कोई दिक्कत भी रह सकती है। दोस्तों अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें तथा सर्दी से अपना बचाव रखें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। एसिडिटी और गैस की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, ज़्यादा गरिष्ठ पदार्थ का सेवन करने से परहेज करें। दोस्तों ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। और दोस्तों, यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा केसरिया और भाग्यशाली अंक रहेगा 3।